दोस्तों, इस दुनिया में हर एक इंसान कोशिश करता है कि वो एक अच्छी सी जॉब पाकर या एक अच्छा सा बिजनेस करके अपना खुद का घर बनाए, जिसमें वो अपने परिवार के साथ शांति भरी जिंदगी जी सके। लेकिन दोस्तों, क्या हो अगर आपको अपनी मेहनत से खरीदे हुए घर को पूरे $4.5 लाख के घाटे पे यानी कि लॉस में बेचना पड़े, और वो भी सिर्फ इसलिए ताकि कोई अनजान आदमी आपको एक ऐसी धमकी भरी चिट्ठी भेजता है कि इस घर को छोड़ दो। दोस्तों, अब आप शायद सोच रहे होंगे कि कोई अगर ऐसा करता है तो हम उसकी कंप्लेंट पुलिस में करेंगे। लेकिन दोस्तों, क्या हो अगर इस केस में पुलिस भी आपकी कोई मदद नहीं कर पाई। तो दोस्तों, आज जो किस्सा हम आपको सुनाने वाले हैं, शायद आपके लिए वो बेहद ही चौंकाने वाला हो। तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज के इस एपिसोड को। दोस्तों, एक आम इंसान अपने सपनों को घर खरीदने में अपनी आधी जिंदगी बिता देता है, और बहुत से लोग तो ऐसे भी हैं जिन्हें उनके जीवन में अपनी छत नसीब नहीं होती। लेकिन अमेरिका के रहने वाले डेरेक वे मारिया ब्रोडस भाग्यशाली थे जो उन्होंने अपने सपनों का घर खरीद लिया। दोस्तों, अमेरिका के न्यू जर्सी में स्थित एक पॉश इलाके में वेस्ट फील्ड में डेरेक लगभग $13.5 लाख में यह घर खरीदा था तथा $1 लाख इसका रिनोवेशन के ऊपर खर्च किए। डेरेक अपनी पत्नी मारिया और 3 बच्चों के साथ जल्द से जल्द इस 6 बेडरूम वाले शानदार घर में शिफ्ट होना चाहता था। सब कुछ तो हो चुका था, लेकिन थोड़ा रेनोवेशन का काम बाकी था। दोस्तों, यहाँ तक तो ठीक था और डेरेक और उसका परिवार अपने नए घर को लेकर काफी उत्साहित थे। लेकिन तभी डेरेक के साथ कुछ ऐसा हुआ जिसने उसकी रातों की नींद उड़ा दी। दरअसल डेरेक एक दिन जब अपने नए घर में पेंटिंग का काम देख रहा था, तभी उसके लेटर बॉक्स में एक चिट्ठी मिली। चिट्ठी में सबसे पहले तो उन्हें नया घर खरीदने के लिए बधाई दी गई। इसके बाद चिट्ठी लिखने वाले ने लिखा कि इस घर पर नजर रखी जा रही है। लिखने वाले का दावा था कि उसकी पुश्ते इस घर पर नजर रखे हुए हैं। 1920 के दशक से उसके दादा ने इस घर पर नजर रखी, 1960 के बाद उसके पिता ने तथा अब वो इस घर पर नजर रख रहा है। उसने डेरेक को ये भी लिखा था कि वे नहीं जानते हैं कि इस घर की दीवारों में क्या राज दफन है। चिट्ठी लिखने वाले ने अपने नाम की जगह दी वॉजल लिखा था। चिट्ठी को लेकर डेरेक ने पुलिस में शिकायत भी की। चिट्ठियों का सिलसिला नहीं रुका, अब तो डेरेक को चिट्ठियों में धमकियां भी मिलने लगी थी। चिट्ठी लिखने वाला खुद को उनका पड़ोसी बताता था तथा डेरेक और उसके परिवार से जुड़ी हर छोटी बड़ी जानकारी उसे पता थी। वो डेरेक के बच्चों को यंग ब्लड कहकर संबोधित करता था तथा धमकी देते हुए उसे उनका ख्याल रखने के लिए भी कहता था। इन चिट्ठियों को लेकर काफी छानबीन हुई, पड़ोसियों से पूछताछ की गई, और तो और डेरेक ने उस वॉचर का पता लगाने के लिए एक एक्स FBI ऑफिसर को प्राइवेट जासूस के तौर पर भी रखा। लेकिन इन सबसे कुछ फायदा नहीं हुआ और अंत में हार कर डेरेक को ये घर घाटे में बेचना पड़ा। $14 लाख से ज्यादा का घर उसने लगभग $9,59,000 में बेच दिया। 2016 में आई एक हॉरर मिस्ट्री फिल्म दी वॉचर इसी कहानी से प्रेरित है। फिल्म में एक शख्स जो खुद का नाम दी रावेन बताता है, वह भी इसी तरह घर के मालिक को खत लिखता था। इसके अलावा नेटफ्लिक्स ने भी 2018 में इस सच्ची घटना के राइट्स खरीद लिए। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि डेरेक को कौन और क्यों ऐसी चिट्ठी लिखता था, कमेंट्स में जरूर बताएं। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई हो। अगर आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते, टेक केयर, खुदा हाफिज एंड बाय बाय।